ये तो अविश्वसनीय है, ये हो ही नहीं सकता। पोकर, कैसीनो, स्लॉट मशीन, वन एक्स बेट, ये लाजवाब है। वन एक्स बेट पोकर स्लॉट मशीनों कैसीनो के बेशुमार मौकों का फायदा उठाएं, खेलें और असली पैसे जीतें। नॉर्थ वे यानहे राजवंश का पहला बस जुजानी ने चीन पर आक्रमण किया। उनके सैनिक जानवरों की तरह हैं, वे जहां से गुजरते हैं वहां युद्ध की आग भड़क जाती है। पृथ्वी पर हर तरफ लोगों की चीखें और चीखें सुनाई देती हैं, लाशें दफनाई जाती हैं, लोग एक बूचड़ खाने की तरह नष्ट हो जाते हैं। मुसीबत चारों ओर है, नायक नहीं मिल सकता है, लेकिन मुसीबतें नायकों को जन्म देती है। निर्देशक और पटकथा लेखक चैन चैन। मुलान दोनों अंदर आ जाइए। प्रश्न क्या है? शादी? किसकी शादी हो रही है? मेरी बेटी हुआ मुला। चलो इसे लो, मुझे फिर से मिट्टी दे दो। हाँ ठीक है, जल्दी मत करो। हाँ एक मिनट रुको। मुड़ी भागो मत। दादी जी कपड़े तैयार हैं। तुम बहुत अच्छा काम करती हो मुलन, सोया ले जाओ। अच्छा जल्दी आओ। ठीक ठाक वार्डन, जल्दी मत करो। कपड़े तैयार हैं। मुलान परेशानी के लिए माफ करो। आपका स्वागत है। धन्यवाद धन्यवाद। ओ तुम, मुलान एक दो दिन छूट गए और तुम्हारा कुंग फू मजबूत हो गया। तुमने हुहू की सारी तरकीबें सीख ली। देखो शादी मत करना। शांत रही मुलान, यहाँ हो तुम, पिताजी इंतजार कर रहे हैं, जल्दी जाओ। अच्छा अंकल लियांग कैसे हैं आप? तुम दोनों बदमाश, क्या गलत है? फिर से मास्टर आने आया था? नहीं नहीं हिम्मत मत करना।
क्या हम बनेंगे सभी ईमानदार लोगों के साथ? मुझे लगता है तुम बिजी हो, ओह मैं जाता हूँ। ओह युआन, क्या मस्त सुगंध है रे बाबा। स्वादिष्ट। जब हम यहाँ से निकलेंगे तो मेरे पिताजी हमारे लिए खाना बना देंगे। मुझे दिखा नहीं, मैंने आपको नोटिस नहीं किया, मुझे माफ कर दीजिए। तुम्हें क्या लगता है कि मांस चुराना आसान था? मैंने एक निवाला भी नहीं खाया था। तुम क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो तुम? उसे सबक सिखाए जाने चाहिए। क्या तुम जानते हो उसकी बहन कौन है? पागल कहेगा। ओ मेरे बच्चे, दर्द हो रहा है क्या? नो, उसकी बहन मुलान है। नहीं, क्या आप उससे डरते हैं? हाँ, वह एक लड़की है। हाँ, वह मुझे हरा नहीं सकती है। मुझे नहीं दिख रहा कि उसकी शादी होगी। अरे नहीं, बिल्कुल भी नहीं, अभी समय नहीं आया। लेकिन वो बहुत खतरे में हैं। चिंता बिल्कुल मत करो, सूर्य और चंद्रमा के संगम की प्रतीक्षा करें। स्वर्गीय सेना उसे मुसीबत में मदद करेगी। नहीं नहीं, वापस चलो और फिर से पूछते हैं। मैं हूँ। रहने दीजिए ना, चलिए चलिए चलते हैं, चलिए। एक दो दिन में मैं हमारे मुलान के लिए एक मैच मेकर ढूंढूंगी। लेकिन उसने कहा कि मुलान बहुत बड़े खतरे में है। दाजी, बड़े खतरे में। मुलान का झगड़ा हुआ, मुलान का झगड़ा हुआ, मुलान का झगड़ा हो गया। मुलान 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 मेरे भाई को नाराज करने के लिए। मुलान रुक जाओ, मैंने तुम कौन बड़ा है? जुजानी ने हमारे देश पर आक्रमण किया, वे हमारे लोगों को मार रहे हैं। सम्राट ने आदेश दिया है सभी पुरुष सेना में शामिल हो जाएं और हमारे देश के लिए खड़े हो जाएं। आदेश माना जाए। गोनकियन, गोनकियन यहाँ है। युआन पिंग जी यहाँ है। ली रोंग यहाँ है। हु क्यूई यहाँ है। हुआ हु। तुम सच में जाओगे? हाँ, झुंझुनी ने हमला किया है, देश खतरे में है। मैं कैसे ना जाऊं सेना के परिवार का होने के नाते? मुझे पता है कि तुम चिंतित हो। अगर मैं नहीं लौटा तो मुलान मुडे, अपनी आंख से ज्यादा उनकी देखभाल करना। मुझे मुलान के लिए एक अच्छा पति खोजना होगा। अधिक अब उसे तलवार उठाने मत देना। क्या पिताजी सेना में जा रहे हैं और वापस कभी नहीं आएंगे? वे कहते हैं कि अगर मैं बड़ा होता तो मैं अपने पिता की जगह ले सकता था। मूडी जाना चाहता है। मैं नहीं चाहता कि पिताजी को कुछ भी हो। मूडी शांत, पापा को स्वर्ग बचाता है, कुछ नहीं होगा। अब सो जाओ।
बड़ा अनर्थ हो गया है, बहुत बड़ा। मुलन 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 चली गई, मुलन वो सेना के आदेश पे चली गई। क्या हुआ, चली गई है? हम क्या करें? क्या निवास स्थान और नाम? फेंग टेन बाओ झांग फू। सातवां शिविर यू है गुआन। निवास स्थान और नाम? यू है लीजो। तीसरा शिविर? अच्छा। दूसरा शिविर? ठीक हूँ बड़े। हु? मैं नहीं जाना चाहता। क्यों, क्या तुम चाहते हो तुम्हारे पिताजी जाएं? मैंने सुना है कि ये जंगली लोग मांस खाते हैं और जानवरों की तरह खून पीते हैं। तो क्या ये लोग जंगली जानवरों का मांस खाते हैं और खून पीते हैं? क्या वो डरावना नहीं है? हम उसके साथ लड़ाई से बच गए, तुम जुआन से डरते हो? यह सच है। लिलियांग युआन होम, हम साथ हैं। वहाँ चानपिंग त्यांस के पास जाओ। शुक्रिया भाई। बॉर्डर पर चानपिंग त्यांस आखिर। तो क्या हर जगह ऐसा होता है? निवास स्थान और नाम? यूए हुआ मुलान। तीसरा शिवर चानपिंग कैंग। बड़े ये भी वही है। कुमावत आ जाओ। चानपिंग कैंग। राजकुमार शाह, यदि तुम्हारे पिता सेना वापस ले लेते हैं और लिशुई दे देते हैं, मेरी सेना माउंट जुसे पर चढ़ने के बाद तुम्हें जिंदा छोड़ देगी और वे जीवित रह सकते हैं। तुम गंदे राक्षस हो, सम्राट नॉर्थ के साथ सौदेबाजी के लायक नहीं हो। नहीं, ऐसा मत करो। राजकुमार शाह, कोई और तरीका नहीं है दूसरे जीवन में। ऐसा मत करो, नहीं ऐसा मत करो। नॉर्थ वी, हमेशा के लिए। नहीं। मैं तुम्हें एक और मौका देता हूँ। नर्क में चलो, मेरे सैनिक। तुम कभी भी राक्षसों के सामने घुटने नहीं टेकोगे। नॉर्थ वी, हमेशा के लिए। नॉर्थ वी, हमेशा के लिए। ऐसा मत करो। नॉर्थ वी, हमेशा के लिए। नॉर्थ वी, हमेशा के लिए। मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूँ कैसे मेरी सेना ने तुम्हारे किले को जमीन पर गिरा दिया और तुम्हारे सभी लोगों को मार डाला और तुम्हारी हड्डियों पर राजकुमार में महान गिरोह बनाऊंगा। अगर तुमने ड्रम नहीं सुना या समय पर नहीं उठे तो मौत। अगर आदेश सुना, अमल नहीं किया तो भी मौत। औरत के साथ बलात्कार किया, किसी को लूटा, शिविर में औरत लाए तो भी मौत। मास्टर सार्जेंट, और हम किस बैरक में रहेंगे? कोई अफवाह फैलाई, झूठ बोला, साथियों को बहकाया तो मौत। बीमार होने का बहाना किया, मरने का नाटक किया तो भी मौत। सैनिक परीक्षण के दौरान गलती की, रिपोर्टों की दी हुई जानकारी गलत हुई जिसके कारण देर हुई तो भी मौत। ये तुम्हारी बैरक है, बैठिए। हम साथ हैं। भाई एक मिनट रुको,
क्या चाहिए तुम्हें? कुछ नहीं बड़े भाई, मैं आपको एक तोहफा देना चाहता हूँ, थोड़ी सी वाइन आपके लिए। जो किंग कौन है मुझे याद है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? जो तुम कर रहे हो। शिविर में औरत के लिए कानून के हिसाब से सजाए मौत है। तुम नहीं बताओगे, किसी को पता नहीं चलेगा। लेकिन कौन भरोसा करेगा तुम आदमी हो? हे भाइयों, यहाँ आओ। तुम किसे बुला रहे हो? क्या तुम भाई नहीं हो? हो क्या नहीं, लो ये खाओ। लो। धन्यवाद, चलते हैं। जो बोन कौन, लेकिन जू क्यों बुला सकते हो? अगर कुछ चाहिए तो मुझे बताना, यह जियो हुलू है। तीन दहन अंकल टीएन। हुआ मुलान? भाई मुलन। हाँ भाई बड़े। हाँ। क्या ये लोग सच में बेवकूफ हैं? लगता तो है। क्या हुक्म देते हो भाई? कुछ लोगों को साथ लेकर मेरे पीछे आओ। जी। तुम और तुम मेरे साथ आओ। मास्टर सार्जेंट, हम कहाँ जा रहे हैं? शायद दुश्मन पर हमला करवाने। आप तो भर्ती हुए हैं, अभी तक सिपाही भी नहीं बने। ऐसे समय में सेना में तुम्हारे लिए सभी गंदे काम होते हैं। गंदे काम वो क्या होते हैं? चलते रहो, चलो चलो चलो, चलते रहो, चलो। तुम्हारे पिता ने तुम्हें यहाँ कैसे आने दिया? चुपके से आ गई। तुम और मैं एक ही गांव से हैं और अब हम यहाँ हैं। वांग योंग और मैं तुम्हारा ख्याल रखेंगे, ठीक है? और युद्ध के मैदान पर तुम मेरे पीछे छिप जाना। बड़े। हाँ। मेरे पिता ने कहा कि जब युद्ध में ढोल बजते हैं तो हमले में मुझे थोड़ा पीछे चले जाना चाहिए, और मेरे पास पहले से ही समय नहीं होगा वापस आने का। घर। यन होंग, डटे रहो, चलो मरो मत। अंकल, हमें इन टैग की आवश्यकता क्यों है? वे नॉर्थ वे राज्य से हैं। अगर वे घर नहीं लौट पाए तो ये टैग इसके बजाय भेजे जाएंगे, ताकि प्रियजन उनकी स्मृति का सम्मान कर सकें। और जुनूनियन सैनिक, उनके साथ क्या होगा? वे स्टेपी में पैदा हुए थे और वे मानते हैं कि सूरज उनकी आत्मा को वापस मान स्टेपी में वापस कर देंगे। सभी जो युद्ध के मैदान में जाते हैं जंगली जानवरों में बदल जाते हैं। मौत हवा में रेत की तरह और
जीवित लोग भी अपाहिज हो जाते हैं। अंकल, और आपका हाथ? मैं 30 साल की उम्र में सेना में शामिल हो गया था, बियान साम्राज्य जीता। अब मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, लेकिन मैं लड़ाई लड़ूंगा। क्या तुम सभी अपने पिता की जगह आए हो? जी सर। हाँ। तुम लोग अपने पिता के लिए हो, जीते रहो। अगर मैं मर जाऊं उनकी तरह, मैं भी रेत में मिल जाऊंगा। चिंता मत करिए अंकल, जिलो हुलू आपको कभी नहीं छोड़ेगा, हम आपको नहीं छोड़ेंगे। और तुम छोटे हो, अच्छे बच्चे। जियो हुलू, जियो हुलू, जियो हुलू। क्या? जियो हुलू। क्या? जियो हुलू। क्या 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 हुआ? रुरान सेना। ए रुको, कहाँ जा रहे हो तुम? जियो हुलू, जियो। यह जुआन का संदेश वाहक है। येनको को बताओ, तुम्हारे राजकुमार शो हमारे हाथ में है। 3 दिनों में चैन पिंग सांग को हमारे हवाले कर दो और रिशुई को छोड़ दो। जियो लो, जियो, जी जी जियो। मेरे भाई को मारा, क्या लगता है तुम्हें तुम बच पाओगे? बहुत दिलचस्प। अरे जियो क्यों हुई? जियो हुलू का ख्याल रखना। झुक गई। चलो चलते हैं। अंकल टीएन, ये मुझे करने दीजिए। सावधान रहना। चिंता मत करो, उन्हें सावधान रहने की जरूरत है। कमांडर, ये वो हैं जो रुरान की सेना से लड़े। मीरा महवी के लोग बहुत बहादुर हैं और भाग्यशाली हैं। कमांडर, हम अपने कमांडर के लिए तैयार हैं। आग और पानी से गुजरने के लिए एक बार भी नहीं सोचेंगे। मेरी सेना में कई सैनिक हैं। आप उत्तरी वी के गौरव हैं। काकवान, मैं सुन रहा हूँ। इन सैनिकों को शिविर के मैदान में भेजें। जैसा आप कहें। आप सबने बहुत अच्छा काम किया, आप अब जा सकते हैं। ठीक है, ठीक है।
किंग कॉन्ग ने सारा शरीर क्यों ले लिया और तुमने कहा कुछ क्यों नहीं? अच्छा ठीक है, उसे रहने दो, वैसे ये हमारा नया शिविर है भाई यहाँ पर। हाँ अच्छा, ये वास्तव में हमारे राजकुमार का झंडा है, लगता है उन्हें चांदी ने पकड़ लिया है। कमांडर मुझे 3,000 अच्छे चाहिए घुड़सवार सेना दे दीजिए और मैं राजकुमार को ले आऊंगा। कोई जरूरत नहीं, इसमें बहुत खतरा है, यदि योजना विफल होती है तो हम 3,000 घुड़सवार खो देंगे। कमांडर अफवाह यह है कि राजकुमार शाह की हमेशा सम्राट के साथ नहीं बनती थी, उन्होंने अदालत में समस्याएं खड़ी की, शायद ये करना उसके लायक नहीं है, मुझे डर है कि वे मुझे दोष देंगे। कमांडर मेरे पास एक योजना है। जी तुम अंदर कैसे आए? तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम जियो किंग कौन है? जियो हुलू यहाँ कैसे हैं? जियो हुलू तुम कैसे हो? घाव गहरा नहीं है, जीवित रहेगा। मैं ठीक हूँ भाई मुलान, वे कहते हैं कि तुमने अकेले जुआन को बिखेर दिया। शांत हो जाओ, हम सब ने कोशिश की, क्षेत्र में अकेले एक योद्धा नहीं है। तुम बड़प्पन दिखा रही हो, हमारे गांव में मुलान किसी भी आदमी का बहुत बहादुर है। क्या? कुछ नहीं। मुलान तुमने भाले की नोक को क्यों तोड़ा? मैं अपने पिता को बचाने के लिए सेना में हूँ, जान लेने के लिए नहीं। मुझे लोगों को तकलीफ नहीं देनी और उन्होंने मुझे नुकसान नहीं पहुँचाया। लड़ाई एक लड़ाई होती है, यदि आप दूसरों को बख्शते हैं मुझे डर है कि आपको बख्शा नहीं जाएगा। सेनापति ने आदेश दिया है, सब मेरे साथ आओ। कमांडर ने किंग मून नाम के सबसे अच्छे सेनापति को लाने का आदेश दिया है जो प्रारंभिक आउटिंग करेंगे। राजकुमार शो को बचाने के लिए 2 घंटे हैं। सफलता का इनाम, वेतन में वृद्धि। हम क्यों? क्या? मैं नहीं जाना चाहता। अगर कोई टास्क पूरा नहीं करेगा तो मौत। मेरे सभी आदेशों का पालन करो। 10 लोगों के साथ मुलान बाई ओर से शिविर में प्रवेश करेगा, बाकी मेरे साथ जाएंगे। कोई गलती नहीं होनी चाहिए। हाँ। नए सैनिक? हाँ कमांडर, केवल 15 लोग जाएंगे। अगर आप राजकुमार शो को नहीं बचा सके तो भी कुछ जोखिम में नहीं डाल रहे। अगर सफलता मिलती है तो आपकी वजह से एक और चमत्कार होगा, आप एक सेनापति के रूप में सदियों तक याद किए जाएंगे। मैं जियो किंग कौन हूँ, सेनापति ने आपको मुझे बचाने के लिए भेजा है। Yeah.
वापस चलो। युआन मारो। पृथ्वी और स्वर्ग नॉर्थ वे जियो किंगकॉन की उपलब्धियों के लिए आबाद रखें। सबको 5 वाहत और 30 दिए जाएंगे। 9 फीट रेशम कवच घोड़े और घुड़सवारों को स्थानांतरण। सेवा करने के लिए खुशी है। तुम दुबले हो लेकिन फिर भी मुझे बचा लिया। ये तलवार अब तुम्हारी है। भविष्य में बड़ी लड़ाइयों का हमें इंतजार है, विदेशियों के खिलाफ। क्या हुआ राजकुमार शो? जुआन जुआन पर एक छापे के दौरान कई सैनिकों को बंदी बना लिया गया। मुझे उम्मीद है कि आप आदेश देंगे उनकी हेल्प करने का। राजकुमार शो, मुझे भी आशा है कि आप उन्हें जरूर बचाएंगे। राजकुमार शो, मुझे आशा है कि आप उन्हें जरूर बचाएंगे। साहसपूर्वक वीर जवानों, सम्राट की सेना में बहुत आवश्यक है। जल्दी सुनो सुनो, तुम इस शहर को भूल आए मेरे कैंप में। महान चान्यू दरियादिल है, वो इसे वापस करने के लिए तैयार है। बचाओ बचाओ मुझे। युआन लीलियांग, युआन युआन उसे रोको जल्दी से। युआन युआन मुझे जाने दो, मुझे अपने भाई को बचाना होगा, मुझे जाने दो। मेरी मदद करो। जाने दो मुझे, जाने दो मुझे। बाहर निकालो युआन होंग, मुझे बचा लो, मेरी मदद करो। बचा लो मेरे भाई को, बचा लो मेरे भाई को युआन। मदद नहीं 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 भा
के कुत्तों, तुम खून का खून से भुगतान करोगे। एक साल बाद अशांति के अंतिम वर्षों में जीवन और मृत्यु एक दिन है। मैं कवच लगाना चाहूंगा ताकि शरीर धूल और हवा में ढका रहे, और लेकिन भेड़ियों को अपने हाथों में तलवार पकड़नी चाहिए और अपने देश की शांति की रक्षा करनी चाहिए। बढ़िया 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 बढ़िया। मुझे दो। भाई मोलन पकड़ लो। राजकुमार शॉ, चलो चलो। मुलान मुलान, लड़की तुम्हारी तरफ देख रही है, घूर रही है। तो क्या तुम युवा हो? यह एक पत्नी की तलाश का समय है। तुम अंकल लियान को देखो। और तुम्हारे बारे में क्या? तो यह मेरी पत्नी ने मुझे दिया, उसके पसंदीदा मसाले हैं। उसने कहा था कि जब भी मुझे उसकी याद आए तो मैं इसे सूंघ लूं। ये क्या है? लड़ाई हुई है। मुझे भी देखने दो। देखने के लिए क्या है? देखने दो ना मुझे। तू इतना परेशान क्यों कर रहे हो? धनुर्धारियों
भागे। जीत गए। एक योद्धा का जन्म होता है एक नायक के रूप में मरने के लिए। कुछ लोगों की एक विशेष नियति होती है और युद्ध का मैदान शायद हुआ मुलान का भाग्य है। पृथ्वी और स्वर्ग ने नॉर्थ वी को आशीर्वाद दिया। हुआ मुलान ने कई दुश्मनों को हराया और वाई विंग को संभाला है। हुआ मुलान को वाई विंग का लीडर बनाया जाता है। वैनगार्ड ने पूरी सेना संभाली है। नायक, 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 नायक। बहुत बढ़िया, आप सभी वीर हैं। बहुत बढ़िया। रुको, धन्यवाद वीरो। मेरी बहन आपको पसंद करती है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नायक, महान नायक, नायक। रुको, ले लो, ले लो, धन्यवाद। खूबसूरत, बहुत बढ़िया, आप सभी महान नायक हैं। बहुत बढ़िया।
चीयर्स चीयर्स और डालो, अच्छी शराब है। तैयार हो? चीयर्स 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 चीयर्स। चलो, कितना कमाल का। चलो चलो चलो, आ जाओ पियो। वाइन डालो। ओ, वाइन आ गई। आ जाओ। चीयर्स चीयर्स। नाचो नाचो। मुलान, राजकुमार शो, मैदान पर तुम बहुत बहादुर और निर्णायक हो और तुम एक लड़की की तरह पीते हो। राजकुमार शो, राजकुमार शो मैं आपके लिए पीता हूँ। चलो चीयर्स। चलो चीयर्स। नृत्य उतना अच्छा नहीं है, मैं बेहतर कर सकता हूँ। क्या तुम मजाक कर रहे हो? वो लड़कियाँ हैं, तुम नाचो, जाओ जाओ नाचो। देखो, ये兰州黄山啊，杯中酒为凉，百盏灼铁浆。बढ़िया बढ़िया बढ़िया। तुम एक लड़की की तरह कैसे कर सकते हो इतने अच्छे से? सही, मैं बूढ़ा हूँ, मैं विश्वास ही करने लगा था। और किसको लगता है मैं हुआ मुलान हूँ और वास्तव में एक लड़की हूँ? तुमने क्या कहा? कहा मैं एक लड़की हूँ। ली लियांग से पूछो, वो पुष्टि करेगा। मुलान, तुम क्या बोल रहे हो? राजकुमार, मुलान ने ज्यादा पी ली है, मैं उसे टेंट पर लेकर जाता हूँ। कौन बकवास कर रहा है, तुम नशे में हो। चलो, उसने ज्यादा पी ली है। तुम
क्या कर रहे हो? पागल, अगर उन्हें पता चल गया तुम लड़की हो तो तुम्हें मौत का सामना करना पड़ेगा। आ जाओ। हे चानियों, अशय ने बरकस में आ रहा है एक जादूगर के साथ। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? दुहान ने मुझे तुम्हारे यूनिट का नेतृत्व करने का आदेश दिया। तुम स्टेपी पर लौटोगे। मैं अभी भी यहाँ चान्य हूँ। मेरे प्रति सम्मान दिखाओ। तुमने एक साल में भी चैन पिंक सांग को नहीं लिया और तुमने कितने सैनिक मारे। तुम उसके हारे हुए कुत्ते हो। तुम क्या ही कर सकते हो? यहाँ सिर्फ चान्यू ही अकेला है। चान्यू, चान्यू, चान्यू। और तुम कौन हो? महान शयू, कृपया मेरी जान बचाइए। मैं आपकी मदद कर सकती हूँ। चांग पिंग तसांग को ले लीजिए। तुमने सुना? कुछ अजीब सी आवाज है। चूहों का एक झुंड, जल्दी करो, सेनापति से कहो। हम करेंगे। कमांडर, मुझे आपको कुछ बताना है। समाचार, समाचार, समाचार। कमांडर, शहर की दीवारें चूहों से भरी है। चूहे ही तो हैं, क्या परेशानी है? वो लाखों हैं। क्या? क्या हो रहा है? रात में चूहों ने शहर पर हमला किया। पूरी भीड़, सभी को काट लिया। कई सैनिकों और निवासियों को काफी झेलना पड़ा। चूहे? समाचार, कितने लोग आहत हैं? कमांडर, 300 से ज्यादा घायल। स्थानियों का अभी सूचित नहीं किया गया है। खाने का क्या हुआ? आधा खत्म हो गया है। रेगिस्तान में इतने सारे चूहे क्यों हैं? राजकुमार शॉ, जुआन, जुआन का डेरा कहाँ है? गोबी में। हम शहर में हैं, वे गोबी में हैं। कई घायल भी हैं। तो यह पता लगाना आवश्यक है कि कितने रुआन में घायल हुए हैं। अगर हमारे से अधिक घायल हैं तो हम उन्हें एक ही बार में नष्ट कर देंगे। स्वर्ग धन्य रखे नॉर्थवी को। मैं आदेश सुन रहा हूँ। मुलान, 3 घुड़सवार लो और प्रभावित रुआन की संख्या का पता लगाओ और तुरंत मुझे खबर करो। रुको, दूसरों को नेतृत्व करने दो। मुझे मुलान के साथ कोई जरूरी बात करनी है। ठीक है, बदल दो।
यह बहुत अजीब है। कल चूहों ने रुरान पर हमला क्यों नहीं किया? चलो कमांडर को रिपोर्ट करना आवश्यक है। आ जाओ जियो किंगकैन, चलो जल्दी चलते हैं। एक मिनट रुको, जब हम यहाँ हैं हम ऐसे ही कैसे जा सकते हैं? तुम क्या कर रहे हो? मैं एक नक्शा बनाता हूँ, मैं इसे सेनापति को दूंगा और वो मुझे इनाम देंगे। जियो किंगकैन, तुम अपनी रैंक के लिए पागल हो गए हो। मैं सफल बनने के लिए सेना में हूँ। जाओ किंगकॉन का एक कमांडर बनना तय है। तुम नहीं चलोगे, मैं चला जाऊंगा। तुम्हारे यहाँ कितने पीड़ित हैं? हाँ, मुझे नहीं पता था कि जानवर बात कर सकते हैं। मारना मत, मैं कोई नहीं हूँ। मुझे मारना मत, मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा, सब कुछ। मुझे मारना मत, मैं तुमसे विनती करता हूँ, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। मैं जियो किंगकॉन हूँ, दरवाजा खोलो। यह जियो किंगकॉन है, जल्दी करो, सेनापति को बता दो। अच्छा, नुकसान है। ये वो हैं जो आत्मसमर्पण करने के लिए आए हैं, वो नॉर्थ की शरण में आने को तैयार हैं। अच्छा, दरवाजा खोलो। ऐसा मत करो, ये एक छलावा भी हो सकता है। शहर अच्छी तरह संरक्षित है, पिल्लों की एक जोड़ी मेरी पूरी सेना को नष्ट कर देगी। दरवाजा खोलो। घबराए नहीं, कमांडर बेन है यहाँ। Thank you.
समाचार। राजकुमार शाह, रुरान से जो आए थे वो मारे गए हैं। हमारा बहुत नुकसान हुआ है, गोदाम जलकर खाक हो गया, कमांडर नहीं रहे। तुम जा सकते हो। ठीक है। राजकुमार शॉ, अब आगे क्या करना है? सेना को भारी नुकसान उठाना पड़ा है, अगर जुआन को हमारी कमजोरी समझ आ गई। तो पूरी सेना नष्ट हो जाएगी और स्थानीय लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। हम पीछे हट रहे हैं, हम स्थानीय लोगों को अपने साथ ले लेंगे। जॉन पिंग त्यान सीमा का किला है। यदि हम लुईस का आत्मसमर्पण करते हैं, रुरान दरवाजों के अंदर आ जाएगा और ज्यादा लोग मरेंगे। जिंदगी के संकेत बहुत कम हैं। इस शहर को कैसे बचाओ? मुझे करने दीजिए। और मुझे? और मुझे? मैं। और मैं। और ये बूढ़ा आदमी? उस दिन नशे में तुमने मुझे बताया कि तुम एक औरत हो, क्या ये सच है? हाँ। तो महाराज तौबा मुलान को मारना चाहते हैं? नहीं, मैं तुम्हारी सराहना करता हूँ, लेकिन क्या वास्तव में तुम रुकना चाहती हो? हमारे राज्य का क्षेत्र बहुत बड़ा है, अगर हम लुशी को खो देते हैं तो तुम्हें कोई दोष नहीं देगा। देश की रक्षा के लिए सेना में शामिल नहीं हुई थी कि बल्कि अपने पिता को बचाने के लिए हुई थी। अब मैं आपके क्षेत्र तौबा की रक्षा नहीं कर रही हूँ, बल्कि नॉर्थ वी के निवासियों की शांति के लिए। लेकिन भोजन और पानी के बिना तुम लंबे समय तक नहीं रह पाओगी। तीन दिन से सभी को 50 मील ले जा सकते हैं। मैं फिर राजधानी पहुंच जाऊंगा। मैं अपने पिता से मदद मांग लूंगा। मेरा इंतजार करना। क्या खाली शहर में रहना आसान है? यह एक पिंजरे की तरह उदास और शांत है, और उसमें आदमी एक बाज की तरह है, टूटे हुए पंख के साथ। लोहे की सरिया जीने की इच्छा को मार देती है। ये रहे तीर। बस इतने ही? पूरे शहर से इकट्ठा किया है, यही है जो इस्तेमाल किए जा सकते हैं। और इनके साथ शहर की सुरक्षा कैसे करें? हमने कल रात भी नहीं तोड़ पाएंगे। तो छोड़ो और इसे उठाओ। तुम्हारे पास कितने हैं? अगर रुरान रात में हमला करता है तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। हम देख लेंगे। पच्चीस कदम पर, 22, 15, 10, 5। मुलान आ जाओ।
समाचार। वहाँ क्या चल रहा है? 270 लोगों को भेजा था पहले, वे सब मर गए। जादूगर, असंभव। लिशुई शहर तबाह हो जाना चाहिए था। नहीं, ये नहीं हो सकता। फिर शहर की अभी भी क्यों रक्षा की जा रही है? वंक्वा जी, 200 आदमियों को फिर भेजो। शैतान जी हजूर। तीन दिन हो गए हुआ मुलान ने और 15 दिनों के लिए डटे रहने का फैसला किया। अगर आशा की रोशनी है तो निराशा ने हमें अंधेरे में जकड़ लिया। अनंत अंधेरा। जियो हुलू, कितने हो गए? क्या खाना बचा है? नहीं, मैं तुम्हें देखूंगा। मत जाओ, सब खत्म हो गया। पूरे शहर में कुछ नहीं बचा है। जियो होलो, तुम चले क्यों नहीं जाते? आखिरकार माता पिता घर पर तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। मेरे माता पिता लंबे समय से मृत हैं। मेरे पास केवल मैं ही हूँ। मेरे पास वापस लौटने के लिए कोई जगह नहीं है, और तुम्हारे साथ मैं पहले ही घर पर हूँ। मूर्ख, अगर तुम अपना सिर खो देते हो तुम यहाँ मर जाओगे, और तुम्हारे माता पिता हमें अगली दुनिया में मिलेंगे। मेरे माता पिता और माँ अगली दुनिया में तुमसे बात करेंगे। सावधान रहना, वो तुम्हें पहले ले जाएंगे। स्वादिष्ट खुशबू है। बहुत। मैं पिछले एक साल से यहाँ हूँ। कौन जानता है कि घर पर क्या है? क्या मेरी पत्नी ठीक है? मुलान, चलो चले। तुम नहीं जा सकते। चान पिंग त्यांस सीमा का किला है। हमें इंतजार करना होगा सहायक सेना का। हम इतने लंबे समय से शहर को संभाल रहे हैं। सहायक सेना होती तो इससे पहले ही आ जाती। पानी नहीं, खाना नहीं, क्यों शहर की रक्षा कर रहे हैं? घर में मेरी पत्नी और बच्चे हैं। मैं यहां नहीं मर सकता। मेरे साथ आने की किसकी इच्छा है? साथ में मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? हुआ मुलान, यदि तुम मरना चाहते हो मैं नहीं रोकूंगा। जाओ, शहर को अकेले संभालो। मैं लड़ाई में मरना पसंद करूंगा, मैं भूख से मरना नहीं चाहता। आज हम लिसुई का आत्मसमर्पण करते हैं, नहीं पता कि कल कितने लोग मरेंगे। मेरे कवच के नीचे एक साधारण आदमी है। मैं जीना चाहता हूँ। हम नॉर्थ बे की सैनिक हैं। हम सारे लोगों की रक्षा करते हैं। अगर सैनिक युद्ध से डरेंगे लोग आम जीवन में कैसे जिएंगे? दुनिया स्थिर कैसे रह पाएगी? तुम्हारी पत्नी और बच्चे कैसे स्थिर रहेंगे?
क्या तुम जानते हो कि मुलान एक लड़की है? मैं अपने पिता के लिए सेना में आई, एक आदमी की तरह कपड़े पहने, दिन और रात तुम्हारे साथ बराबर से रही, हमेशा लड़ी। इसलिए मैं अपने परिवार की भलाई के लिए हूँ, मैं यहाँ कड़ी हूँ। मैं युद्ध को खत्म करना चाहती हूँ ताकि लोग शांति से रह सकें और काम कर सकें। आज मैं एक सैनिक की तरह जीना और मरना चाहती हूँ। यूहे की हुआ मुल्तान हार नहीं मानती। यूही काली लियांग हार नहीं मानेगा। किंगलोन का त्यान दुहाई कभी हार नहीं मानेगा। जुओ का जो क्यों हार नहीं मानेगा। अनशन का हुबशो हार नहीं मानेगा। नीचे झुको। झुकी मत मरो। सुगंध की झोली यहाँ लाओ, ये लो सुगंध की झोली। झुकी हुई। सुनिए, बहुत ठंड है, कृपया अपने कमरे में जाइए। आपको लगता है क्या मुलान अच्छी होगी? क्या उसके पास गर्म कपड़े होंगे? क्या बैरक में खाना होगा? उसे कैसा लगता होगा? मेरे पूर्वजों, हमारे पास केवल हमारी बेटी है, कृपया उसका ख्याल रखें, रक्षा करना। भेड़ का सूप तैयार है। ऐसी बदबू है, स्वादिष्ट, मुझे दो। चलो पीते हैं। Cheers. चलो चलो, बहुत स्वादिष्ट, इतना स्वादिष्ट, बढ़िया सूप, एक और कटोरा। चलो चलो, और मुझे फिर से, और फिर मुझे, इतना स्वादिष्ट, हर किसी के लिए पर्याप्त। कितना सूप। ऐसा मत करो। इतना स्वादिष्ट, पी के देखो, बढ़िया सूप। आओ पियो। चलो चलो, पूरा भर दो, एक और कटोरा। अंकल डियर, मैं वास्तव में चाहता हूँ यह सूप। भेड़ के सूप का स्वाद अच्छा नहीं होता। मैं जहां से हूं, एक मछली होती है बंजियो, उसे स्वादिष्ट कहते हैं। जब तुम उसे चखोगे तब समझोगे कि स्वादिष्ट क्या होता है। जब जंग खत्म होगी
तुम्हारे अंकल तुम्हारे लिए सूप बना देंगे, ठीक है? मैं चाहता हूं मछली का सूप। अब से हम रोज एक मछली पकड़ेंगे और हर दिन सूप पिएंगे। की सेना लीलियांग, तुम अपने परिवार के अकेले बच्चे हो। शहर में तेज घोड़े हैं, इसे छोड़ने में बहुत देर नहीं हुई है। कैसे मैं लीलियांग एक आदमी मुलान से हार जाऊं? अंकल टीएन, मैं नॉर्थ वी की सेना से हूं। मैं पैदा हुआ था उत्तरी वी के लिए मर। बढ़िया अंकल टीएन, ढोल बजाइए मेरे लिए।
अमलान, दूसरे जीवन में मैं शांति से रहना चाहता हूँ। हमारा दिन आएगा जब दुनिया भर के लोग युद्ध नहीं जानते होंगे और तुम और मैं शांति से रहेंगे। नॉर्थ भी हमेशा के लिए, नॉर्थ भी हमेशा के लिए। मारो, हमेशा के लिए। नॉर्थ वी हमेशा के लिए। चंद्रमा के संगम की प्रतीक्षा करें, स्वर्गीय सेना उसे मुसीबत में मदद करेगी। यह फिल्म समर्पित है चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी को। मैं जिंदा रहना चाहता हूँ, सिर्फ जिंदा रहकर ही मैं अपने पूर्वजों के गौरव को बढ़ा पाऊंगा। मुझे जीना है। फिल्म कान江啊，不向母红
世界。